हेलो किसान दोस्तों, नमस्कार। किसान साथियों, अगर आप फूलगोभी की खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा कि फूलगोभी की खेती अगेती या पछेती फूलगोभी की खेती करने में ही किसान को फ़ायदा होता है। अगेती पछेती फूलगोभी लगाने से बाज़ार में फूलगोभी का अधिक भाव में बिकता है, जिससे किसान भाई को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो किसान साथियों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। इस वीडियो में आगे आपके साथ फूलगोभी की दो ऐसी वैरायटी के बारे में जानेंगे जिसे दिसंबर से जनवरी तक रोपाई किया जा सकता है। किसान साथियों, जिस दो फूलगोभी वैरायटी के बारे में बात करने वाला हूं, वह दो कंपनी की दो फूलगोभी वैरायटी है। एक फूलगोभी वैरायटी सिजेंटा कंपनी की फूलगोभी वैरायटी है और दूसरी फूलगोभी वैरायटी सेमनिस कंपनी की है। यह दोनों कंपनी बहुचर्चित कंपनियों में शामिल है। तो चलिए बारी बारी से दोनों फूलगोभी वैरायटी के बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं। कब नर्सरी लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी है, कितना दाम पड़ता है 10 ग्राम पैकिंग का, कितने दिन की वैरायटी है और पौधा रोपाई से कितने दिन में यह फूल कटाई के लिए तैयार हो जाता है, कैसा फल तैयार होने के बाद होता है, कितना एक पौधे से एक फल का वजन देता है। दोनों वैरायटी में सबसे अच्छा कौन सा वैरायटी है, सारा कुछ बारी बारी से जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें। किसान साथियों, सबसे पहले सिजेंटा कंपनी की बेहतरीन फूलगोभी वैरायटी जो लक्की फूलगोभी वैरायटी है, इस फूलगोभी वैरायटी की खेती मैं 5 वर्ष से करता आ रहा हूँ और हमारे गांव का किसान भी यह फूलगोभी लगा करके अच्छी पैदावार लेते आ रहे हैं। मैंने इस वर्ष भी लक्की फूलगोभी वैरायटी की नर्सरी लगाने जा रहा हूँ। लक्की फूलगोभी वैरायटी 85 दिनों में तैयार होता है। नर्सरी से पौधा निकालकर खेत में रोपाई से 80 से 85 दिनों में लक्की फूलगोभी वैरायटी की कटाई के लिए तैयार हो जाता है। लक्की फूलगोभी एक पैकेट 8.8 ग्राम का आता है, जिसमें 2000 बीज रहता है, जिसका MRP 970 दिया गया है। होलसेल दाम 660 रुपये है और आप अगर किसी खुदरा दुकान से खरीदते हैं तो आपको 680 रुपये से 700 रुपये देना होगा। ऐसी जानकारी आपको किसान साथियों कोई भी YouTube पर नहीं देगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें कि और किसान को भी यह जानकारी मिल जाए, उनको ज़्यादा दाम इन वैरायटियों को नहीं देना पड़े। तो किसान साथियों, आगे सेमनिस कंपनी की फूलगोभी वैरायटी के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, आप इन दोनों फूलगोभी वैरायटी को दिसंबर से जनवरी तक लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली फूलगोभी वैरायटी सेमनिस कंपनी की SBAC 6021 है। SBAC 6021 बायर कंपनी की बेहतरीन फूलगोभी वैरायटी है। सेमनिस की 6021 को रबी सीजन में लेट से रोपाई करके पछेती फसल में आप अच्छी आमदनी कमाई कर सकते हैं। लास्ट नवंबर से मध्य दिसंबर तक इस वैरायटी की नर्सरी लगाकर दिसंबर लास्ट से जनवरी 15 तक इसकी खेत में रोपाई किया जा सकता है। किसान भाइयों, जिस खेत में आप धान की खेती किए थे, धान कटाई के बाद खेत तैयार करके, या जो फूलगोभी आप पहले किए थे सितंबर अक्टूबर में, उस फूलगोभी की कटाई चल रहा होगा या समाप्त हो चुका होगा, तो आप फिर से खेत तैयार होने के बाद लक्की और SBAC 6021 को आप फिर से खेत में लगा सकते हैं। सेमनिस की फूलगोभी वैरायटी SBAC 6021 का एक पैक में 8.36 ग्राम बीज रहता है और एक पैकिंग में गिनती किया हुआ 2000 बीज आता है, जिसका MRP 763 दिया गया है, जिसकी दुकान में खरीदने पर आपको 600 से 650 रुपये आपको देना होगा, जिसका होलसेल दाम 580 रुपये है। SBAC 6021 को रबी सीजन में लेट से लगाने पर भी अधिक उपज मिलता है।
फूल तैयार होने के बाद एक पौधा से 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम वजन देता है। सेमनिस कंपनी की SBAC 6021 70 से 75 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर सेजेंटा की लक्खी 80 से 85 दिनों में कटाई के लिए तैयार होता है। एक पैकेट बीज का दाम आपको 700 रुपये देना पड़ता है। लक्खी का वहीं पर 6021 को 600 रुपये देना होता है। 6021 का फूल तैयार होने के बाद बिल्कुल वाइट रहता है, साफ सुथरा फूल तैयार होता है, क्योंकि फूल तैयार होने के बाद बावजूद पत्तों से फूल ढका रहता है।